और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो यूपी से आ रही है। यूपी के उन्नाव से एक बार फिर भयावह खबर सामने आ रही है। उन्नाव में 3 लड़कियां अपने ही खेत में बेहोशी की हालत में मिली। इनमें से 2 लड़कियों की मौत हो गई, वहीं एक को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ये लड़कियां खेतों में घास काटने गई थी। उन्नाव SP ने जानकारी दी कि डॉक्टर ने इन लड़कियों को जहर दिए जाने की बात कही है। साथ ही SP आनंद कुलकर्णी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पास यहाँ जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्सियस थी। उसके साइंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग उसको हुई है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है जैसे जो कीटाणुनाशक दवाएं यूज होती हैं, जो उस समय इसके जो क्लिनिकली जो लग रहा है। असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहां पे डेथ हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रशांत, और क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पाई है इस घटना से संबंधित? देखिए, ये खबर सनसनी फैलाने वाली खबर थी। जिस तरह से शाम के वक्त जब ये खबर पुलिस वालों को मिली तो पूरी पुलिस का पूरा महकमा एक तरह से अलर्ट हो गया और IG रेंज लखनऊ उनको मौके के लिए रवाना किया गया। मगर अगर आप डॉक्टरों की माने तो जब इन 3 लड़कियों को उनके पास अस्पताल में लाया गया था तो 2 तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, 3री कुछ उनके पल्स आ रहे थे और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो जिंदगी और मौत के बीच जंग जूझ रही है। मगर बात यहाँ पे ये है कि अभी 6 टीमें बना दी गई है इस पूरे मुद्दे की तहकीकात करने के लिए और आने वाले समय में क्या होता है, किस तरह का एक्शन लिया जाता है, क्या अक्यूज्ड कौन है, ये सारी बातें कुछ देर में पता चलेंगी। मगर अभी 6 टीमें बनाई गई हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी प्रशांत, आपका शुक्रिया।